हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सोनम मौर्या किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चना मसाला की रेसिपी, जो काले चना की रेसिपी बनती है। तो हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने रात में चना भिगो दिया था। हमने चना लिया है एक बड़ी साइज़ का, हमने आलू काट लिए हैं और हम प्याज लिए हैं तड़के के लिए, इतना प्याज। अब हम गैस जलाएंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे, इलायची डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। हम अपना प्याज डाल देते हैं जो हमने काट के रखा हुआ था। इसको हम चलाएंगे जब तक हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज हमारा हो गया है, इसमें अब हम आलू डालेंगे। अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से इसको चलाएंगे। थोड़ा सा हमारा आलू एकदम हल्का हल्का जिससे लाल हो गया, एकदम ब्राउन टाइप का। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैसेज चलाते रहेंगे थोड़ी देर। अब इसमें हम चना भी डाल देते हैं। चना डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। अभी 5 मिनट तक इसको मैसेज छोड़ देते हैं। 5 मिनट तक गैस कर देंगे मीडियम। अब हम मसाले तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 प्याज लिया है काट के, लहसुन लिए हैं, अदरक लिए हैं, मिर्च लिए हैं। हम इसको चारों चीज़ मिक्सी जार में डालेंगे। हम चारों चीज़ डाल लिए हैं। इसमें हम मसाले डालेंगे, जो 5-6 लौंग डालेंगे और दालचीनी डालेंगे, 1 इलायची डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पीस लेंगे। एक बार हम फिर से चेक करेंगे, ऐसे चलाएंगे। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे अच्छे से, तब इसमें मसाले डालेंगे। 2 मिनट तक और पकने देंगे इसको। गैस को हाई कर देंगे, गैस को हम थोड़ी देर और देखेंगे। ये हमारा हो गया है, अच्छे से सोना गया है एकदम से। अब इसमें हम ये डाल देंगे मसाले, जो प्याज लहसुन सब बनाए थे हम, पीसे थे, इसको हम डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से चलाएंगे। अब हमारा प्याज पकने देंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको पकने देंगे। इसको हम अच्छे से फिर से चेक करेंगे। जी, अब हमारा प्याज पक रहा है, तो पका नहीं है पूरी तरह, तब तक हम इसमें मसाले डालते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और हम सब्जी मसाला डालेंगे। हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाला हमारा 5 मिनट तक अच्छे से पकेगा ये, इसको हम धीरे धीरे से पकाएंगे। मसाला हमारा पक गया है। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें से चना निकाल लेंगे, जो पीसेंगे हम, थोड़ा सा हम निकाल के रख लेते हैं। इसको पीस के इसमें डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्टी लगता है बहुत, और थोड़ा सा गाढ़ापन हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये इतना हम इसको थोड़ी देर रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीसेंगे। पीस के तब हम सब्जी में डालेंगे। ये सब्जी हमारी बिना टमाटर वाली सब्जी है। आपके घर में टमाटर ना हो, कभी ख़त्म हो गया हो, तो हम ये सब्जी चना मसाला की रेसिपी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ हम किसी अच्छे से खा सकते हैं। इसको एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ी देर इसको रख देते हैं ठंडा हो जाए, तब तक हम इसको देख लेते हैं। इसको चलाते रहेंगे,
हमारा मसाला चना और आलू अच्छे से मिक्स हो गया, पक भी गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम इसमें एक गिलास पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे। इसको खोल के ही गैस हम कुकर बंद नहीं करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसमें हम नमक डाल दिए हैं, आप भी अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। हमारा चना ठंडा हो गया, इसको हम थोड़ा इसमें हल्का सा पानी डाल लिया है एक चम्मच। अब इसको हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे मिक्सी जार में। ये पीस उठा है हमारा दरदरा। अब इसको हम डाल देंगे सब्जी में। डाल के हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी को चलाते रहेंगे ऐसे सब्जी को। कितना सब्जी हमारी एकदम गाढ़ी हो गई है, मसाला भी एकदम अच्छे से पक गया है और सारा चीज़ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। बस इतना ही पानी डालेंगे हम। टोटल इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं, ये देखिए। अब इसको हम गैस कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। गैस कर देंगे मीडियम। अब ये हमारी 4 सीटी आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। 4 सीटी आएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। आगे हम आपको फिर दिखाते हैं। हमारी सब्जी पक गई है, ये देखिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखिए। अब इसमें हम ऊपर से धनिया डाल देंगे, जो हमने धनिया काट के रखा हुआ है। हरी धनिया ढेर सारी डालेंगे। इसको हम अच्छे से चलाएंगे। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।